अलीगढ़ शहर में पहला कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिलने के बाद सारे शहर में हड़कंप समझ गया है। स्वास्थ्य विभाग से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक सख्त हो गया है। यही देखते हुए डीएम ने आज एक रिव्यू बैठक बुलाई। इस रिव्यू बैठक में लॉकडाउन के नियमों को बदला गया। जहां सुबह 7 से 11 बाजार खुल रहे थे, अब ये बाजार सुबह 6 से 10 तक ही खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत से एरियाज में नहीं हो रहा था, जैसे कि कनवरीगंज, महावीरगंज, इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। बाराद्वारी, चपेटी जैसी जगहों को अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं। महावीरगंज, कनवरीगंज और बाराद्वारी में जो सब्जी विक्रेता हैं या किराना स्टोर्स हैं, इनको अब नुमाइश ग्राउंड में दुकानें दी जाएंगी। जो नुमाइश ग्राउंड में पक्की दुकानें हैं, वो दुकानें अब इनको उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे एक अंदाज़ा ये भी लगाया जा सकता है कि ये लॉकडाउन जल्दी खुलने वाला नहीं है। यहाँ तक डीएम ने कहा कि अगर जनता अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करती है, तो फिर हम ये विचार करेंगे कि एक दिन बाजारों को खोला जाए और एक दिन बाजारों को बंद किया जाए। ठीक है, आज हमारी जो 14 डिपार्टमेंट की बैठक है वो हुई है। इसमें जहाँ पे हमारा कोरोना पॉजिटिव मिला है, वहाँ पे हमने रणनीति बनाई है। वहाँ पे खाद्य सामग्री, सैनिटाइजेशन और दवाइयों की उपलब्धता के लिए टीमें बना दी गई हैं। जो टीमें वहाँ पे काम कर रही हैं, सिटी बाई स्टेट, एडीएम फाइनेंस और एडीएम सिटी उसको देख रहे हैं। इसी प्रकार से बाज़ार में कुछ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन मार्केट को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना। जिसमें महावीरगंज है और एक दो जगहें और हैं, उनको दुकानदारों को मंडी में जगह दी जा रही, इसमें नुमाइश ग्राउंड में जगह दी जा रही है, जहाँ से वो अपना बिक्री का समय करेंगे। इसके लिए उनके कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से जो इसका मार्केट का समय है, वो हम 7 से 11 हटा करके 6 से 10 कर रहे हैं, और क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, 6 से 10 तक ही दुकानें खुलेंगी। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। इस लॉकडाउन का पालन करें, कहीं बेवजह बाहर निकलना आपको महंगा ना पड़ जाए।